एक प्रश्न रहता है जिसी से जुड़ा हुआ आया है कि बाबा का रथ मुकर्रर है, ये बाबा कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा और दादी गुलजार ये बड़े बड़े नंदी और छोटे नंदी हो गए, फिर इसके अलावा बाबा संदेशियों में क्यों आते हैं? इससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा होता है, क्योंकि फिर इतने सारे स्थानों पर संदेशियाँ हैं, बाबा यदि अलग अलग जगहों पे आने लगे, संदेश आने लगे, तो क्या इससे डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होगी? इससे कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए बाबा अलग अलग जगह आते ही नहीं। मैंने कहा जो उसका महान यज्ञ है और निमित्त बनी आत्माओं ने जिसको नियुक्त किया होगा, जो भोग लगाएंगे, उनके तन में आकर भी वो ज्ञान नहीं देंगे, केवल दृष्टि देंगे, केवल उनका आगमन हो सकता है। इसलिए सब जगह उनके आने की बात ही नहीं है, क्योंकि यज्ञ उसने यहीं रचा है। जी जी जी, अरे जो बात आपने कही ये मेरे भी ध्यान में नहीं थी कि वो संदेशियों में आके केवल दृष्टि देंगे, ज्ञान नहीं देंगे, या बाबा ने इसे भी कहीं कोट किया है? नहीं, किया ही है, क्योंकि ज्ञान उनका संपूर्ण हो गया, और जैसे जैसे बाबा का ये पार्ट भी पूरा हुआ, आपने देखा होगा, ज्ञान देना कम होता गया, बिल्कुल कम होता गया, और लास्ट में तो 2-4 लाइन ही बोलते थे, 10-15 मिनट, और दृष्टि देते थे, चले जाते थे।